राजधानी लखनऊ की इको गार्डन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आक्रोशित प्रदर्शन हुआ है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ग्राम प्रधान को वेतन मिल रहा है उसी तरह से उन्हें भी वेतन मिले। साथ ही बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जो हमारा साथ देगा हम उसी का आने वाले समय में चुनाव में साथ देंगे। मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला आज चौथी बार पुनः इको गार्डन लखनऊ में बीडीसी सम्मान में आज बीडीसी आक्रोश आंदोलन है, क्योंकि पिछले दो सालों से हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, पूरे प्रदेश में संगठन बनाया। हमारा जो बीडीसी है वो शोषित और वंचित है। लगातार 1961 से पंचायती राज व्यवस्था आई, 1993 में 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, प्रधान इम्पावर हो गया लेकिन बीडीसी इम्पावर नहीं है। बीडीसी प्रधानों से ज़्यादा वोटर्स के बीच में चुनाव लड़ता, उसका क्षेत्र बड़ा होता है लेकिन उसकी विकास कार्यों में कोई सहभागिता नहीं है। केवल प्रमुख में वोट दे देना, MLC चुन लेना, बस इतने तक उसकी सीमित दायरा है। इसलिए हम लोगों ने लगातार 6 अक्टूबर 2021 को इसी इको गार्डन में बीडीसी स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज चौथी बार पुनः हम सभी लोगों ने, जो दो साल में माननीय सरकार ने हमें दो अधिकार दिए हैं, तीन अधिकार दिए हैं, जिसमें नरेगा और 6 बैठक, 1000 मीटिंग भत्ता और बीमा 3 लाख रुपए, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं है।